जा रहे हैं संगम पे, संगम जहाँ झंस्कर रिवर और सिंधु रिवर दोनों का मिलन होता है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, रेत उड़ता रहता है, बहुत ठंडी हवा चलती है वहाँ पर। सबसे पहले संगम जाएंगे, उसके बाद देखेंगे शायद मैग्नेटिक हिल, फिर पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और उसके बाद हॉल ऑफ फेम वगैरह जो भी है देखेंगे रास्ते में। जो ये आर्मी एरिया है वैसे, फाइटर एरोप्लेन और ये हेलीकॉप्टर वायुसेना का है, एयरफोर्स स्टेशन। सामने देखो मिट्टी के पहाड़, कच्चे कच्चे पहाड़ लगते हैं देखने में, उधर वो बर्फीले पहाड़ बर्फ से ढके हुए, साफ आसमान, नीला आसमान, साथ में दूधिया बादल, और वो नज़दीक से दिखा दिया बर्फ़ वाले पहाड़। ये बर्फ़ वाले पहाड़ है हमारे सामने, ये बादल हो चुके हैं देखो। यहाँ मौसम कुछ ही एक ही दिन में कई तरह के मौसम बदलते हैं लेह में, कभी बादल हो जाते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है, अगले ही पल धूप निकल जाती है कड़ी, और शाम को देखें तो बहुत चिल्ड हवा चलती है बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ नहीं होती। क्यों भैया? बहुत तेज़ बारिश नहीं होती ना, मूसलाधार हल्का हल्का बारिश आता है ना यहाँ। नुरबू से भी मैंने पूछा था, ये भैया ही बता रहे हैं कि यहाँ बारिश बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश कभी नहीं आती, हल्का फुल्का बारिश आएगा और उसके बाद फिर धूप निकल जाता है। एक ही दिन में कई कई मौसम आ देता है लेह, लेकिन बहुत सुंदर जगह, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल। लेह लद्दाख पहले कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया। अभी आर्मी का ही, हाँ।